हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी। टुडे टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड कि वास्तव में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या, किस तरह से जीन क्लोनिंग करेंगे, एक जो है सेल्स के अंदर से हम कैसे डीएनए को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि डीएनए जो होता है डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स के ठीक बीचों बीच होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है सेल होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे कैसे केवल पर्टिकुलर डीएनए को हम अलग करेंगे और उनका प्रोसेस क्या क्या होगा, किस तरह की पोजीशन होगी, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में आइसोलेशन ऑफ डीएनए दूसरी कंडीशन क्या है भाई, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अंडरस्टैंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड, थर्ड पोजीशन क्या होगी आपकी, थर्ड पोजीशन होगी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट कि सबसे पहले हम उस फ्रेगमेंट से डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करेंगे। चौथी पोजीशन क्या है भाई, लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, फिफ्थ पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट के अंदर, तो आपकी सिक्स पोजीशन क्या होगी, सिक्स पोजीशन जो है कल्चरिंग द होस्ट सेल, कल्चरिंग द होस्ट सेल
कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर उसको कल्चरिंग करेंगे, कल्चरिंग करके उसका लार्ज स्केल हम बनाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, अंडरस्टैंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, तब जो हम डिजायर्ड प्रोजेक्ट को अलग करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, किसी जो है पेरेंट सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से वहाँ से पर्टिकुलर डीएनए को हम अलग करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि डीएनए को जब आपने अलग किया तो अब डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक पोजीशन पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के थ्रू। अब उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में, उसके हाउ मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्रेगमेंट इसमें डिवाइड करेंगे आप, अंडरस्टैंड, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है फ्रेगमेंट बनेंगे, किसके थ्रू बनेंगे, ये आपका जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज बनाएगा, अंडरस्टैंड, और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन कर देगा, वो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देगा, अंडरस्टैंड। जब डिवाइड कर देंगे तो अब उसमें से आइसोलेशन करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, उसमें से हम अलग करेंगे कि हमारा कौन सा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, कौन सा डिजायर्ड डीएनए है। इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका डिजायर्ड डीएनए को हम फ्रेगमेंट, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कि अब उससे डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग कर लेंगे। दूसरी कंडीशन है कि जब डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे तो उसको हम जोड़ेंगे इसके द्वारा वेक्टर के थ्रू, किसी वेक्टर पर उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो होता है अब ट्रांसफ़र करेंगे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर, अंडरस्टैंड, जब होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो अब उस होस्ट को क्या करेंगे, कल्चरल मीडियम में लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करने के बाद तब जो है उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम अलग कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस जो होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कल्चरिंग मीडियम करके जो आप क्लोनिंग करेंगे उसके पहले ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टैंड, कि इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए को हम आइसोलेट कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये देखा जाता है कि ये कोई मान लीजिए कि सेल है, अंडरस्टैंड, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो है प्रेजेंट है डीएनए, अंडरस्टैंड। तो जब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा भाई, इसके चारों तरफ सेल ऑर्गेनल्स होंगे, उसके बाद प्रोटीन होगा, उसके बाद लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, अंडरस्टैंड, और उसके बाद ये सेल वॉल होगी, यदि प्लांट है तो सेल वॉल होगी और एनिमल है तो सेल वॉल ऑब्सेंट होगी, अंडरस्टैंड। तो इन सभी कंटेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद तब हम क्या करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रोसेस कौन कौन सा करते हैं, कि इस डीएनए को प्योर फॉर्म में करने के लिए, अंडरस्टैंड, केवल प्योर न्यूक्लिक एसिड को हमें लेना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो है पहले फर्स्ट पॉइंट में प्योर न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है डीएनए, और दूसरी कंडीशन है आरएनए, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है ऑलरेडी हम यूज करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ऑलरेडी स्पेसिफिक पोजिशन से कट करने का काम करेगा, लेकिन वो तो बाद में काम आएगा। लेकिन अब कंडीशन, सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करने के मेथड को समझना है, अंडरस्टैंड, कि अब हमने प्योर न्यूक्लिक एसिड को हमने अलग किया, अलग करने से पहले हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ या इसके साथ जितने भी कंटेंट हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइमों के थ्रू उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, पहला पॉइंट।
तो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अब इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, उसके बाद प्रोटीन, अंडरस्टैंड, डीएनए है, उसके बाद जो क्या है प्रोटीन है, अंडरस्टैंड, उसके बाद पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड, अंडरस्टैंड, ये भी कॉन्टेंट पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से केवल हमें डीएनए को लेना है, अंडरस्टैंड। तो इतने सारे कंटेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। बैक्टीरियल सेल से लेकर के प्लांट और एनिमल सेल तक, फंगस तक, अंडरस्टैंड, जिसका भी डीएनए को आइसोलेट करना है तो उसके कंटेंट को हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट एंजाइमों के थ्रू। उसमें पर्टिकुलर जो डिफरेंट एंजाइम्स कौन कौन से हैं, आपका लाइसोजाइम, पहला पॉइंट जो है ये लाइसोजाइम, अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई आपका, सेलुलेजेज, अंडरस्टैंड, ये आपका सेलुलेजेज। और थर्ड पोजीशन में क्या है भाई आपका, काइटिनेजेज, अंडरस्टैंड, काइटिनेजेज, अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या होगी कि इसमें हम लेते हैं फंगस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद जो है एनिमल, और उसके बाद जो है प्लांट। इतने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उससे जो है डीएनए को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो फंगस की वाल जो होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, काइटिनेजेस एंजाइम्स के थ्रू इसकी वाल को डैमेज करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कि बैक्टीरिया से लेते हैं हम, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की सेल वाल पड़ी होती है, और उसमें आपका जो है प्रेजेंट है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम के थ्रू जो होता है इस बैक्टीरिया को डैमेज किया जाएगा, अंडरस्टैंड। तीसरी कंडीशन है कि यदि मान लीजिए कि एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल्स में आपका जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है, पॉलीसेक्राइड्स होता है, लिपिड होता है, और फैट कहते हैं उसको, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन में मान लीजिए कि लिपिड या फैट है तो आपको लाइपेज को लेना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पॉलीसेक्राइड है तो एमाइलेजिस को लेना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन है तो उसको प्रोटीएजेज एंजाइम जो है यूज करना पड़ेगा कि प्रोटीन भी क्या कर जाए वहाँ से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे रैपिंग ऑफ डीएनए में, कि जहाँ पर कि 2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है ऑलरेडी प्रोटीन पर ही रैप कर रहा है, प्रोटीन पर रैप किया है, और वो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ये डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टेंट जो होते हैं जिसके द्वारा, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियेजेज, एक और जो है इम्पॉर्टेंट आपका एंजाइम मिलेगा, कौन, इसका नाम जो है न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज का मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा जहाँ पर कि डीएनए और आरएनए है, अंडरस्टैंड। तो अब ये आपका जो है न्यूक्लियेजेज के थ्रू जो है इसके अंदर प्रोटीन की रैपिंग है, तो प्रोटीएजेज का एक्शन करेंगे आप, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। अब सारे कंटेंट को आपने जब डाइजेस्ट कर लिया तो केवल आपका बना बचा क्या, डीएनए, अंडरस्टैंड, डीएनए। क्योंकि डीएनए और आरएनए ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है, अभी हम लोग प्रूफ किए कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि उस बेस पर हमने डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहा, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, अंडरस्टैंड। और आरएनए जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, अंडरस्टैंड, मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल। बट ये क्या होगा, डीएनए क्या होगा लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास जो है एक ऑक्सीजन कम है और आरएनए के पास एक ऑक्सीजन अधिक है, तो जब ऑक्सीजन अधिक होगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा सबसे अधिक, अंडरस्टैंड। तो जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, अंडरस्टैंड।
तो डीएनए जो होता है ऑलरेडी आपका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल है। जैसे मान लीजिए कि आपका वायरसेस में क्या होता है, आरएनए उसका जीनोम है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर हमें लेना है आपको डीएनए को, अंडरस्टैंड। अब हमने डीएनए को क्या कर दिया, इन सारे केमिकल्स के थ्रू, इस तरह के एंजाइम्स के थ्रू उसको कैटलाइज कर दिया, और कैटलाइज करने के बाद डीएनए को छोड़ करके जितने भी सारे सब्सटेंस हैं उसको कैटलाइज करके अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद की क्या कंडीशन होगी, अब ये अलग करने के बाद जो डीएनए हमारा फ्रेगमेंट मिलेगा, अंडरस्टैंड, जो डीएनए हमारा जो है मिलेगा, अब उस डीएनए को क्या करेंगे, इसे मान लीजिए कि ये आपका जो है डीएनए, अंडरस्टैंड। अब ये डीएनए जो है क्या कर गया भाई, ये मिल गया, अंडरस्टैंड। अब इस डीएनए को एक्ट करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, अंडरस्टैंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस डीएनए के हर स्पेसिफिक फ्रेगमेंट पे क्या करेगा, ये कट लगाएगा। इसे मान लीजिए कि ये कट लगा दिया, अंडरस्टैंड, और ये कट लगाने के बाद ये डिफरेंट फ्रेगमेंट इसके बन गए, अंडरस्टैंड। और जब ये डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, कि अब इनको डिफरेंट फ्रेगमेंटों को उनसे हम कैसे अलग करेंगे, जिसमें कि सारे कंटेंट भी है उसको डाइजेस्ट भी कर दिया है, लेकिन आपको प्योर डीएनए को निकालना है। अब क्या करेंगे इसको, अब इस डीएनए को हम करेंगे क्या, चिल्ड एल्कोहल लेंगे, ठीक है, और चिल्ड एल्कोहल आपका C2H5OH जो हाई कंसनट्रेटेड हो, अंडरस्टैंड, उसको लेंगे, और लेने के बाद जो है जब उसके अंदर जो है यदि पेट्री डिश लिया, और पेट्री डिश में हमने क्या कर दिया, इस तरह के डीएनए को आपने रख दिया, लेकिन अब डीएनए आपका जो है सुपरफिशियल पोजीशन पे, ये कैसे आएंगे, कैसे प्रेसिपिटेट होंगे, तो वो प्रेसिपिटेट होने के लिए हम चिल्ड एल्कोहल का यूज करेंगे, और एल्कोहल का यूज करने के बाद इसको कोल्ड करेंगे, अंडरस्टैंड। जब कोल्ड करेंगे तो उस कंडीशन में जितना डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो आपका एल्कोहल के लेवल पर आकर के फ्लोएट करने लगेगा, अंडरस्टैंड। क्लास 11th में आपको डीएनए हमने निकाल करके दिखाया होगा प्रैक्टिकल में, कि कैसे हम किसी सेल से डीएनए को अलग करते हैं, ठीक है, इस तरह का मेथड आपको बताया था, और डीएनए को आइसोलेट करके आपको दिखाया भी था कि वो डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं लाइट कलर के जो होते हैं, वाइट कलर के, या करके क्या करने लगे, इस एल्कोहल के लेवल पर जो है फ्लोएट करने लगे। तो अब डीएनए को निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडो न्यूक्लियस का यूज करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में उसको ब्रेक डाउन कर लिया, अच्छा, ब्रेक डाउन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब डीएनए को अलग कर लिए हैं आप, तो इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसको, ठीक है। अब ये कटिंग की कंडीशन क्या होगी भाई, अब जैसे आपने डीएनए को फ्रेगमेंट को, अब जिसमें डीएनए को हमने अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के द्वारा स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने का काम करेंगे, तो कट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। अब ये फ्रेगमेंट यदि बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उस कंडीशन में आपका कटिंग एंड डीएनए ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, अंडरस्टैंड। अब ये क्या करेगा डीएनए, आपका स्पेसिफिक पोजीशन पर जो है उसको कट करके उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है फ्रेगमेंट आप प्रिपेयर्ड कर लेंगे, अंडरस्टैंड। अब प्रिपेयर्ड करने के बाद की क्या कंडीशन होगी, कि अब प्रिपेयर करेंगे तो अब यहाँ से रिकम्बिनेंट डीएनए को कैसे हम अलग करेंगे, या उस तरह के डिजायर्ड डीएनए को हम कैसे अलग करेंगे, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोफोर्सिस मशीन, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोफोर्सिस मशीन में हमने क्या बताया था, इसके पहले हमने ये आपको मेथड बताया था, जिसमें कितने वेल्स लगे होते हैं, इसमें आपका जो है ये नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, अंडरस्टैंड, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका एक वेल ये हो गया, सेकेंड वेल हो गया, और ये थर्ड वेल, और ये कंडीशन हो गई 4 वेल, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब ये होता है कि इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें कैथोड और एनोड के रॉड लगे होते हैं, तो इस तरह जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है निगेटिव नेचर का है, और इधर जो है क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, अरे बस उनमें
इधर नेगेटिव नेचर का लगा हुआ है और इधर जो है पॉजिटिव नेचर का लगा हुआ है। अंडरस्टैंड। अब अपने क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रेगमेंट जो कि डिससिमिलर साइज के थे, जिसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ने कट किया था, तो क्या किए थे, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई मीडियम था, इस तरह की कंडीशन थी। अंडरस्टैंड। अब क्या कंडीशन होगी कि अब इसमें जो है क्या करेंगे, इस डीएनए फ्रेगमेंट को जो है जितने फ्रेगमेंट्स है इसको इसके अंदर रखेंगे, वेल के अंदर। ये क्या है, वेल। अंडरस्टैंड, ये वेल है और इस पर जो है लेयरिंग जो पड़ी हुई है वो एग्रोज जेल की पड़ी हुई है, और एग्रोज जेल को हमने बताया था कि ये सी विट्स से आइसोलेट किया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड। तो उसको जो होता है फिर हीट करके फिर उसको पुल कर दिया जाता है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन, तो वहाँ पर एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस आता है जिसको हम एग्रोज जेल कहते हैं। अंडरस्टैंड। और जब इस पर रखेंगे आप तो क्या कंडीशन होगी कि ये आपका जो है फ्रेगमेंट, ये आपका डीएनए का फ्रेगमेंट, ये डीएनए फ्रेगमेंट। और दूसरी कंडीशन है कि ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ये डीएनए का फ्रेगमेंट जो होगा इस तरह की पोजीशन होगी। तीसरी पोजीशन में क्या होगा कि ये आपका जो है डाइजेस्ट कर गया, अंडरस्टैंड, और इस तरह की पोजीशन हो जाएगी। ऐसे मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से जो है डीएनए आपका निगेटिव नेचर का है ना, निगेटिव नेचर का डीएनए है, तो वो किधर साइड में मूवमेंट करेगा, फॉसली मूवमेंट करेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा। अंडरस्टैंड। तो इसमें यदि मान लीजिए कि इसके फ्रेगमेंट बन रहे हैं तो इस तरह के फ्रेगमेंट का नाम देते हैं डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब इस पर जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एक्शन हुआ है लेकिन इसके कोई फ्रेगमेंट नहीं मिले हैं, यहाँ पर जो आपका डीएनए का सेगमेंट है इस पर कोई फ्रेगमेंट नहीं मिले हैं, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट हुआ। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ से जो डिजायर्ड जीन होगा हमारा, जितने छोटे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, उतने ही वेल से दूरी पे होंगे। अंडरस्टैंड। क्योंकि ये जल्दी जल्दी क्या करेंगे, बहुत फास्ट जो है मूवमेंट होगा इनका निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि निगेटिव निगेटिव जो होता है रिपल्सन करता है और पॉजिटिव निगेटिव जो होता है अट्रैक्शन करता है, तो ये निगेटिव नेचर का डीएनए है तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होने के बाद जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे दूरी पर होगा, अंडरस्टैंड, सबसे डिस्टेंस उसकी होगी। अंडरस्टैंड। अब जैसे हमने क्या किया कि इसमें से डिजायर्ड जो हमारे फ्रेगमेंट हैं उन डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कट करके निकाल लिया, ये डिजायर्ड हमारे फ्रेगमेंट है। अंडरस्टैंड। अभी सभी फ्रेगमेंट को हमने कट करके अलग कर लिया, तो इस एग्रोज जेल से डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करना ही हमारा इल्यूशन कहलाता है। अंडरस्टैंड। उसको क्या बोलेंगे, इल्यूशन बोलेंगे। तो आपने जब एक डिजायर्ड डीएनए को इस सेगमेंट को अलग कर लिया तो अब इसको क्या करेंगे भाई, ये प्लाज्मिड्स के साथ इसको ला करके हम एड कर देंगे। ठीक है, प्लाज्मिड्स के साथ क्या कर दिया हमने, इसको ऐड कर दिया। तो अब प्लाज्मिड्स के साथ क्या करने पड़ेगा कि अब प्लाज्मिड को जो होगा जो कट करेगा प्लाज्मिड को, अंडरस्टैंड, तो कट करके फिर उसको लाइगेट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, इस तरह के डिजायर्ड प्रोडक्ट को। अब ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ करके क्या कर गया, जुड़ गया। ठीक है, अब डिजायर्ड प्रोडक्ट जुड़ गया किससे, वेक्टर से जुड़ गया। अब वेक्टर से जुड़ जाएगा तो अब इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, अंडरस्टैंड, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो यार रेडी, ये ट्रांसफॉर्म हो गया और इस तरह से जो है जैसे जैसे इसका डीएनए रिप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ हमारा भी डीएनए रिप्लिकेट करेगा। अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, इसको लार्ज अमाउंट में इसकी कॉपिंग करेंगे। ठीक है, और कॉपिंग करने के लिए जो होता है आप यूज करेंगे किसका, पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। तो पॉलीमरेज चेन आपने क्या कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हाई अमाउंट पर जो होता है हाई एम्पलीफायर का यूज करके आप इसकी मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करेंगे। अंडरस्टैंड। और तब उसकी हम क्लोनिंग कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन रही आपका कटिंग ऑफ डीएनए इन ए स्पेसिफिक पोजीशन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अंडरस्टैंड। आइसोलेट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इल्यूशन। अंडरस्टैंड।
so that desired DNA is also add of the vector DNA. Understand? Vector DNA से इसको ऐड करेंगे और तब इसको ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे तब इसकी क्या करेंगे, अब क्लोनिंग का सिस्टम अपनाएंगे. तो क्या कंडीशन होगी, अब वहाँ पर जो है कम समय में सबसे अधिक कॉपी बनाने वाला सिस्टम यूज करेंगे जिसका नाम है PCR. अंडरस्टैंड, ये PCR जिसका नाम देते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अंडरस्टैंड? हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.